वेलकम बैक अगेन टू मनोज जर्नी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी को सबसे पहले मनोज जर्नी की तरफ से हैप्पी महाशिवरात्रि। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आज हम आ चुके हैं पापड़ के हनुमान जी, जो कि विद्याधर नगर में स्थित है और उसी के पास में है शिव मंदिर, जहाँ पर आज हम जाएंगे। तो अब हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ और उधर की तरफ से यह है शिव जी का मंदिर। तो चलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है यहाँ की पार्किंग और वो जो आप सामने रास्ता देख रहे हैं तो वहीं से अभी हम जाएंगे शिव जी के दर्शन करने। यहाँ पे हमारे 2500 साल पुराना शिव शिवालय है और उसकी हम सेवा पूजा करते हैं रोजाना। सुबह हम नित्य आरती करते हैं और ये बहुत रमणीक स्थान है और बहुत ही मान्यता है। आज तक यहाँ जो आया है उसकी मनोकामना शिव जी ने पूर्ण की। हमारे यहाँ इस जंगल में काफ़ी जीव जंतु भी हैं, मंदिर के प्रांगण में भी आ जाते हैं। हर हर महादेव। तो अभी हमें अंकल ने बताया यहाँ के शिव मंदिर के बारे में, तो अब हम रेडी हैं और अब चलते हैं अंदर की तरफ शिव जी के दर्शन करने। तो ये अब आप देख सकते हैं राजस्थान सरकार द्वारा वन विभाग में यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जिनको हमें फॉलो करना है शिव मंदिर के अंदर जाने से पहले। तो अब हम अंदर की तरफ एंटर कर रहे हैं और यहाँ से अंदर जाने के लिए यहाँ पे कच्चा रास्ता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत घना जंगल है और यहाँ पे अभी हम अंदर की तरफ एंटर कर चुके हैं और हमें चलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ जंगल ही जंगल है, बहुत घना जंगल है और यहाँ पे कच्ची रोड बना रखे हैं, कच्ची सड़क है यहाँ पे। और शिवरात्रि के पावन अवसर पर यहाँ पे लोग शिव जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और कुछ लोग आ भी रहे हैं और कुछ लोग जा भी रहे हैं। तो अभी हमें यहाँ पे चलने में, मतलब अभी हम लोग आधे रास्ते में पहुँच चुके हैं और हमें यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है और यहाँ पे धूप भी बहुत आ रही है। एंड यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे जानवरों का खतरा भी हो सकता है। हर हर महादेव। अब हम आ चुके हैं पहाड़ों के बीच में और अब हम यहाँ से नीचे उतरेंगे और हमें बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप देख सकते हैं बहुत कच्चा रास्ता है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हम कैसे उतर के आए थे, चढ़ाई पे से उतर के आए हैं और यहाँ पे चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं पौधे हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा आ रहा है, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। तो ऐसा मेरे को हमारा ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हम भी अभी तक हम इसलिए नहीं पहुँच पाए क्योंकि अभी हम आप लोगों के लिए पूरा चारों तरफ का पूरा कैप्चर कर रहे हैं। हम जहाँ तक हम सोच रहे हैं कि आपके लिए पूरा कैप्चर करें यहाँ ये लोकेशन कैसी है। और प्लीज़ हमारी इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर बनता है, हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो यहाँ पीछे देख सकते हैं यहाँ पे एक कुंड टाइप में है और यहाँ पे बरसात ना होने के कारण ये भी सूखा हुआ है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा झरना आता है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है। तो चलते हैं। तो यहाँ से यहाँ पे झरना भर जाता है और यहाँ के जो जंगली जानवर हैं यहाँ पे पानी पीते हैं। Thank you.
महादेव। तो अब आप देख सकते हैं, अब हमारा सफर स्टार्ट हुआ है, पथरीला सफर जो कि पत्थरों से भरा हुआ है, जो कि वन विभाग वाले जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पे कच्चा रास्ता बनाया है और ये पूरा जंगल ही जंगल है। और हम जो आपने पहले रास्ता था वो था मिट्टी वाला और ये है पत्थर वाला। और अब हम यहाँ से हमारा सफ़र तय करते हुए जाएंगे शिव मंदिर की तरफ, तो चलते हैं। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, छोटे बड़े सारे टाइप के पत्थर हैं, उनके ऊपर से हम जा रहे हैं। और यहाँ से चलते में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है और ये एकदम एडवेंचर सा हो रखा है। चारों तरफ एकदम पेड़ ही पेड़ हैं, जंगल ही जंगल है यहाँ पे। और अभी हमें चलने में बहुत मज़ा आ रहा है, तो चलते हैं। तो महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हम आ चुके हैं पापड़ के हनुमान जी के पास में स्थित शिव मंदिर, जहाँ पे आज हम भोले बाबा के दर्शन करेंगे। आप देख सकते हैं ये कितना पुराना जंगलों के बीच में मंदिर स्थित है जंगलों के बीच में। और तो ये आप देख सकते हैं, तो ये किसी ज़माने में ये नदी होती होगी। और अभी हम पहुंच चुके हैं शिव मंदिर में, तो अब चलते हैं शिव जी के दर्शन करने। तो अभी हम पहुंच चुके हैं पापड़ के हनुमान जी के पास स्थित शिव मंदिर में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। और अभी हम भी कुछ देर में शिव जी के दर्शन करेंगे और आप सभी लोगों को भी दर्शन करवाएंगे। तो अभी हमने हमारी थाली सजा ली है और अब हम भी लाइन में खड़े होंगे और भोले बाबा के दर्शन करेंगे। और मैं भोले बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि वो हमारी और आप सभी लोगों की मनोकामनाओं को पूरी करें। पांडव
हमने हमारे स्टूडियो में आप सब लोगों को भोले बाबा के दर्शन करवाए और हमने खुद भी दर्शन करे। और आपको हमारी वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप सभी को मनोज जैन की तरफ से वापस शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसी वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।